आईपीएल 2025 से पहले जबरदस्त तरीके से यहाँ पे शॉकिंग न्यूज आता हुआ दिखाई दिया। ऋषभ पंत समेत तीन खिलाड़ी जो है वो आईपीएल ऑक्शन से पहले ही दूसरी फ्रेंचाइजी ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या है असली में माजरा ये हम आपको बताएंगे। ऋषभ पंत, ईशांत शर्मा और आपको देख रहे होंगे हर्षित राणा, ये तीन खिलाड़ी आईपीएल 2025 ऑक्शन से पहले ही नई टीम में जो है शामिल हो गए हैं और इस मामले को लेकर क्रिकेट फैंस जो है काफी ज्यादा चौंक गए हैं। तो क्या है मामला, आगे बढ़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या है असलियत में। दरअसल आईपीएल ऑक्शन से पहले नई टीम में शामिल हुए हैं ऋषभ पंत और इन खिलाड़ियों को, यानी कि दो खिलाड़ी और हैं ईशांत शर्मा और हर्षित राणा, ये जो है दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ चुके हैं। और दरअसल दूसरी फ्रेंचाइजी कोई और नहीं बल्कि पुरानी दिल्ली 6 ने ऋषभ पंत और ईशांत शर्मा को अपने साथ जोड़ा है। और ये बात हम कर रहे हैं दिल्ली प्रीमियर लीग की। जी हां दोस्तों, शुरुआत होने वाली है 17 अगस्त से दिल्ली प्रीमियर लीग और फाइनल मैच 8 सितंबर को खेला जाएगा। सभी मैच अरुण जेटली स्टेडियम में होगा दिल्ली में। और इसीलिए यहां पर जब ऑक्शन हुआ तो डीपीएल में यहां पर ऋषभ पंत, हर्षित राणा, ईशांत शर्मा ये जो है ऑक्शन में बिकते नजर आए। तो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को लेकर चर्चाएं अभी बाजार गर्म है। क्रिकेट फैंस यह जानने के लिए उत्साहित हैं कि कौन से खिलाड़ी कौन सी टीम में जाएंगे। लेकिन जबरदस्त तरीके से यहां पर इसी बीच दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत नई टीम में हिस्सा भर गए हैं और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिल्ली प्रीमियर लीग में एक तूफान मचाने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाएगा। यानी कि एक बहुत शानदार मुकाबला होता नजर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये खिलाड़ी जो है ड्राफ्ट के जरिए दिल्ली प्रीमियर लीग में जो है वो बिके गए हैं। और इसी के साथ सिर्फ ऋषभ पंत ही नहीं बल्कि हर्षित राणा, ईशांत शर्मा, मयंक यादव जैसे कई प्लेयर्स हैं जो टूर्नामेंट के इफ्ट की सूची में जो है ड्राफ्ट की सूची में जो है शामिल थे। और इस ड्राफ्ट में दिल्ली के करीब 270 खिलाड़ी थे। इनमें से कुछ खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं और टीम इंडिया का हिस्सा रहे हैं, वहीं अंडर 19 का हिस्सा भी रहे हैं। खिलाड़ी जो है ड्राफ्ट में यहाँ पे बिके और दिल्ली प्रीमियर लीग में यह हाथ जो है आजमाते हुए नजर आएंगे। वैसे दोस्तों आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, ये तो दिल्ली वाली खबर थी, आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन आईपीएल में क्या लगता है कि ऋषभ पंत को किस टीम की तरफ जाना चाहिए और किसके तरफ से खेलना आप देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ रही हमारे साथ।